तो अब स्टूडेंट्स आफ्टर डिस्कशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड हम लोग जो नेक्स्ट मेथड ले रहे हैं वी आर टेकिंग द कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। अब कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन क्या है इस मेथड के अंदर, एक चीज़ ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये मेथड थोड़ा सा टेक्निकल मेथड इन टर्म्स ऑफ फार्मूला, फार्मूला थोड़े ज़्यादा है, बट अगेन वापस वही बात है, मैं फार्मूला लिखवा दूँ और बड़े क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बेसिक फार्मूले कंसेप्ट और एमसीक्यू डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ठीक है ना। कार्ल पियर्सन को एक और नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू कैलकुलेट कोरिलेशन। हमने जितने भी मेथड्स हम लोग आगे देखेंगे, जैसे हमने एक देखा स्कैटर डायग्राम, या हम जो आगे देखेंगे दैट इज रैंक कोरिलेशन और कॉन्करेंट डेविएशन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कैलकुलेट करने का कोरिलेशन का देख कार्ल पियर्सन है, ठीक है ना। नाउ इट इज मेनली यूज व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज लीनियर। लीनियर मतलब दो वेरिएबल ऐसे होने चाहिए जो एक ही लाइन पे फॉल करें, ठीक है ना। मतलब जैसे हमने स्कैटर डायग्राम में देखा था कि अगर अपना रिलेशनशिप कर्वी लीनियर है तब भी काम हो जाता था, वहाँ पे वो कैलकुलेट कर सकते थे। बट कार्ल पियर्सन तभी होगा जब दो वेरिएबल का रिलेशनशिप लीनियर है। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना ये। नाउ एज पर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन फॉर्मूला क्या होता है, सीओवी एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। मेरी बात फिर से ध्यान देना, कार्ल पियर्सन के हिसाब से कोरिलेशन का फॉर्मूला है सीओवी एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। सीओवी का मतलब होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब यहां कोरिलेशन के साथ एक और जो मेजर है उसका नाम है कोवेरियंस। मेरी बात फिर से ध्यान देना, कोरिलेशन के साथ एक और जो कंसेप्ट है यहां पर वो आ रहा है, दैट इज कोवेरियंस। तो सीओवी एक्स वाई स्टैंड फॉर कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। कोवेरियंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन ऑफ द टू वेरिएबल, मतलब जो मिलाकर के दो वेरिएबल वेरिएशन, दैट इज कोवेरियंस, ठीक है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ कोवेरियंस कैन बी ईदर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ध्यान रखना कोवेरियंस क्या बताता है, जॉइंट वेरिएशन ऑफ द टू वेरिएबल विच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और इवन जीरो, और वैल्यू रेंज करती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। वापस ध्यान देना, द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कोरिलेशन की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है, माइनस वन टू प्लस वन, ठीक है, बट कोवेरियंस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रेंज करता है। तो फिर डिस्कस कर लेते हैं इस मेथड को एक और नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू कैलकुलेट द कोरिलेशन। यूज कब होता है, जब रिलेशनशिप बिटवीन दो वेरिएबल में लीनियर है। कार्ल पियर्सन के हिसाब से कोरिलेशन किसके बराबर हो, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। कोवेरियंस क्या बताता है, जॉइंट वेरिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल विच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। कोवेरियंस की वैल्यू रेंज करती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। अब इस पैटर्न के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ अच्छा मैं कोवेरियंस कैलकुलेशन के फॉर्मूले भी बता देता हूं कि कोवेरियंस कैलकुलेट कैसे करना है। वैसे एग्जाम में नॉर्मली पूछते नहीं है, फिर भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं। कोवेरियंस अगर कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला इस तरह चलेगा, वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये फॉर्मूला है कोवेरियंस कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, जो हमने भी कार्ल पियर्सन के अंदर फॉर्मूले डिस्कस किए, मैंने आपको भी दो फॉर्मूले बताए, एक तो कोवेरियंस का ये फॉर्मूला बताया था और कोरिलेशन का ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था कार्ल पियर्सन के अंदर, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले के पैटर्न पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। सेट बी के अंदर है पेज नंबर 18.47, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है ना। ऐसे ही मटेरियल में सेट बी पेज नंबर 18.47, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सेट बी में सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। If for two variable covariance हमको given है 40, covariance x y 40, variance of x given है हमको 16 और variance of y given है हमको 256, ठीक है ना। दो variable के लिए हमको covariance given है 40, x का variance given है 16 और y का variance given है 256। अब अगर x का variance 16 है तो standard deviation में x 4 हो जाएगा और standard deviation में y हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। तो कोरिलेशन क्या होगा हमारा, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो 40 अपॉन 64 ये आपका रिस्पेक्टिव आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया, जो आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 15, अब कोवेरियंस अगर एक्स और वाई का 15 के बराबर है, ठीक है ना, then what restriction should be put for standard deviation of x and standard deviation of y, ठीक है ना। तो अब अगर covariance x y का 15 है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे,
अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 15 गिवन, तो क्या रिस्ट्रिक्शन पुट अप होने चाहिए? नो रिस्ट्रिक्शन. प्रोडक्ट शुड बी मोर देन 15, प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 15, सम शुड बी लेस देन 15, ठीक है ना. अब हमको ये अच्छी तरह पता है कि अगर फॉर्मूला इस तरह चलता है, आर इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ठीक है ना. हमको ये पता है कि कोरिलेशन की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक रेंज होती है. तो अगर कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 तक रेंज होगी, तो आप लॉजिकली सोचना, अगर ऊपर मेरे को 15 है तो नीचे वैल्यू मल्टीप्लाई करके या तो 15 या 15 से ज्यादा हो. अगर 15 से कम हुई तो वैल्यू आंसर 1 से बड़ा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी पॉइंट नंबर बी, कि प्रोडक्ट किससे ज्यादा होना चाहिए. प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 15. दोनों का प्रोडक्ट किससे बड़ा होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 15. कमिंग टू सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर कोवेरियंस दो वेरिएबल का 20 है, कोवेरियंस एक्स और वाई का मिलाकर के लेट्स से 20 है, तो आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, और एक वेरिएंस हमको गिवन है, अज्यूम करो एक्स का वेरिएंस हमको गिवन है 16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का हो जाएगा 4. व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल? सिंपल सी बात है, वापस हमको पता है आर इज इक्वल टू ये होता है. अब आप मेरे को बताओ, अगर न्यूमरेटर में मेरे पास 20 है, डिनोमिनेटर एक मेरे को पता है 4 है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. अब आप बताओ, हमको ये पता है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये हमको पता है कोरिलेशन -1 से +1 रेंज करता है. अब अगर कोरिलेशन -1 से +1 रेंज करेगा और ये अगर मान लीजिए करो 4 ही होती है, तो 4 होती है तो वेरिएंस 16 हुआ, तो पॉसिबल नहीं है कि 1 से बड़ा हो जाएगा. मतलब ये वाली वैल्यू अगर 5 होगी तब जाके 20/20 होता है, और अगर 5 से ज्यादा हो तो काम चलेगा. तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 हो तो वेरिएंस कितना होना चाहिए? 25. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 5 हो तो वेरिएंस कितना होना चाहिए? 25. तो इसका मतलब क्लियर है कि वेरिएंस तो किससे बड़ा होना चाहिए? एटलीस्ट वेरिएंस 25, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होगा तब जाके वैल्यू 20 वेरिएंस 25 बनेगा. तो अब अगर हम ऑप्शन देखें, मोर देन 100 चल जाएगा, क्योंकि 100 से ऊपर कोई वेरिएंस होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन एटलीस्ट 5 या 5 से तो बड़ा होगा. अगर मैं आता हूं मोर देन 10 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो वेरिएंस 16 हुआ तो ये वाली वैल्यू 4 बनती है, तो इन दैट केस आपका आर 1 से ऊपर निकल जाता है, तो पॉसिबल नहीं है. लेस देन 10 पॉसिबल नहीं है, मोर देन 1.25 पॉसिबल नहीं है. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ अब इसी कंसेप्ट पर सेट ए में क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 आप फटाफट देख लेना, ठीक है ना. प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में भी डिफाइंड एज, प्रोडक्ट मतलब कार्ल पियर्सन, तो डिफाइन कैसे हो सकता है? रेशियो प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू कोवेरियंस, नहीं. कोवेरियंस टू द प्रोडक्ट ऑफ वेरियंस, ये भी नहीं होगा. कोवेरियंस टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ऑप्शन सही है. तो 20 का ऑप्शन नंबर सी है. अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कोवेरियंस टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. 21, द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज पॉजिटिव नेगेटिव 0. ये भी मैं डिस्कस कर चुका था जब मैंने अभी कॉल पे सकते मेन पॉइंट डिस्कस किए थे. कोवेरियंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना. और वैल्यू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक रेंज होती है कोवेरियंस की, नॉट कोरिलेशन, है ना. द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन हैव एनी यूनिट, इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट, इज अ यूनिट फ्री, नन ऑफ दीज. अब यहां पता है ये चीज ध्यान रखना कि कोरिलेशन है ना, इज ऑलवेज अ यूनिट फ्री मेजर. यूनिट फ्री का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है वो कभी केजी, सेंटीमीटर, ग्राम या लीटर ऐसे नहीं होता है, ये यूनिट कहलाता है. कोरिलेशन डायरेक्ट वैल्यू होती है. तो कोरिलेशन ऑलवेज अ यूनिट फ्री मेजर, कोई यूनिट नहीं होता है कोरिलेशन में, ठीक है ना. नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? नो लिमिट, -1 एंड 1, 0 एंड 1, -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट. तो इसका ऑप्शन होगा डी, दैट इज -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट, ठीक है ना. -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट. नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग द अबव फॉर्मूला, देयर आर टू मोर फॉर्मूला व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, ठीक है ना. पहला फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार, अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर, समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर. कार्ल पियर्सन का पहला फॉर्मूला एक और हो सकता है, समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार होल डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस x बार स्क्वायर, समेशन y माइनस y बार स्क्वायर. This is the direct method for calculation of correlation. ये तो direct method है. Sigma x minus x bar y minus y bar under root x minus x bar का square y minus y bar का square, ठीक है ना. एक और method होता है जिसको हम लोग बोलते हैं shortcut method. Sigma dx dy
माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई अपॉन एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। फॉर्मूला देखने में तो टेक्निकल लगेगा, आप इसको दो तीन बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो मेथड है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के। ये तो डायरेक्ट मेथड है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड में एक फॉर्मूला हो सकता है समेशन डी एक्स डी वाई सिग्मा डी एक्स डी वाई सिग्मा डी वाई अपॉन एन डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन डी वाई स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ डी एक्स का मतलब एक्स माइनस है डी वाई का मतलब वाई माइनस है और ए का मतलब अज्यूम वैल्यू, ठीक है ना। अब इस पैटर्न पे हम लोग वापस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन में ले रहा हूँ, मॉड्यूल के अंदर ही एग्जांपल नंबर 18.3 ले रहा हूँ मैं, दैट इज ऑन पेज नंबर 18.11। अब देखो स्टूडेंट, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कोरिलेशन के अंदर, ये वाला फॉर्मूला, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। नॉर्मली इस फॉर्मूले के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, दैट इज ऑन पेज नंबर 18.11 है आईसीआई के मॉड्यूल में, एग्जाम्पल नंबर है 18.3। तो एग्जाम्पल नंबर 18.3 कर रहे हैं हम लोग पेज नंबर 18.11 पे, ठीक है ना। ये वैल्यूज गिवन है हमको, हमको कोरिलेशन निकालना है। मैंने अभी बताया डी एक्स एक्स माइनस ए होता है, डी वाई वाई माइनस ए होता है। मैं किसी वैल्यू को अज्यूम कर लूँ, मान लो मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो डी एक्स क्या होगा अपना, एक्स माइनस ए टू माइनस वाई माइनस थ्री माइनस टू जीरो जीरो वन एंड थ्री। देन हमको डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डी एक्स स्क्वायर नाइन फोर जीरो जीरो वन एंड नाइन। मैं किसी को भी इसमें भी ए मान लेता हूँ, मान लो मैं अज्यूम करता हूँ इसको ए, तो डी वाई हो जाएगा आपका वाई माइनस ए नाइन माइनस सिक्स थ्री टू टू जीरो माइनस वन और माइनस थ्री। तो डी वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका नाइन फोर फोर जीरो वन नाइन। देन वी नीड डी एक्स डी वाई, तो मैं डी एक्स डी वाई कर लेता हूँ, डी एक्स इंटू डी वाई माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन माइनस टू इंटू टू माइनस फोर जीरो इंटू टू जीरो जीरो इंटू जीरो जीरो वन इंटू माइनस वन माइनस वन थ्री इंटू माइनस थ्री अगेन माइनस नाइन। मैं टोटल करता हूँ इन सारी वैल्यूज़ को, तो डी एक्स का टोटल आता है थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, तो ये माइनस वन आता है। नाइन फोर थर्टीन फोर्टीन एंड नाइन ट्वेंटी थ्री थ्री एंड टू फाइव एंड टू सेवन माइनस वन सिक्स माइनस थ्री तो थ्री। नाइन एंड फोर थर्टीन फोर सेवनटीन एटीन एंड नाइन ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन माइनस थर्टीन माइनस फोर्टीन एंड माइनस नाइन दैट इज अगेन माइनस ट्वेंटी थ्री। फॉर्मूला पुट अप करते हैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स माइनस वन सिग्मा डी वाई थ्री एन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर ट्वेंटी थ्री माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन डी वाई स्क्वायर ट्वेंटी सेवन माइनस डी वाई का होल स्क्वायर थ्री का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली इस पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में पूछते नहीं है, बट एक एग्जाम्पल मैंने इस पैटर्न पे करा दिया है, ठीक है ना। डी एक्स मतलब अज्यूम वैल्यू से डेविएशन, डी वाई मतलब अज्यूम वैल्यू से डेविएशन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये पूरा मैथड जो हमने डिस्कस किया, दैट वॉज द कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना।